देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काले धन को लेकर लिया गया कड़ा निर्णय लोकतंत्र और अर्थतंत्र की मजबूती के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये बात भाजपा राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री हमीरपुर में स्वरोजगार का आगाज कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। भाजपा राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने हमीरपुर में स्वरोजगार का आगाज कार्यक्रम के दौरान कहा कि जिन राजनीतिक दलों ने आजादी के उपरांत अधिकतर समय देश पर राज किया है और देश की जनता को गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार के दलदल में धकेला, आज वही इन सब पर अंकुश लगता देकर छटपटाहट में है और नोटबंदी पर सामान्य आदमी की असुविधा पर चिंता व्यक्त करके अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्शाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। पर वास्तविकता यही है कि पूरा राष्ट्र नोटबंदी के निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है और इस बात को लेकर आश्वस्त है कि इस निर्णय से जो लोग अपने काले धन से देश के लोकतंत्र को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते थे, उनके मंसूबे अपूरी नहीं होंगे और देश में लोकतंत्र के साथ साथ अर्थतंत्र भी मजबूत होगा। आज युवा साथी हमारे जो युवा मोर्चा के पूर्व में कार्यकर्ता रहे हैं, उन्होंने ये शुरू किया है, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ समस्त अपने युवा साथियों की तरफ से। और आशा व्यक्त करता हूँ कि जिस तरह का प्रयास हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज अपने राष्ट्र की मजबूती के लिए, अपने युवाओं के रोजगार के लिए, अपने पूरे समग्र राष्ट्र के कल्याण के लिए जिस तरह का निर्णय वो ले रहे हैं, उसमें पूरा राष्ट्र उनके साथ है। और जिस तरह मुद्रा बैंक लोन के माध्यम से एक साल में लगभग 3 करोड़ युवाओं ने, 3 करोड़ युवा व्यवसायियों ने इस योजना का लाभ लिया है, इसी तरह अन्य युवा भी इन योजनाओं का लाभ लेंगे और आने वाले समय में इस राष्ट्र में और मजबूती आएगी, खुशहाली आएगी। इस मौके पर अमन कुलेरिया, अभिषेक कुलेरिया, कमलेश कुमार, विकास ठाकुर आदि भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।